अद्भुत बातें मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ। इसमें लिखा है कि यम धन्या धन्यतमा हत्यायुत विनाशिनी कर्तव्यात विशेषेण वैष्णव ज्ञान तत्पर। पुराणा कार वर्णन करते हैं यह धन्य है, धन्य है, 10,000 हत्याएं यदि किसी से हो गई हों, 10,000 हत्याएं जिंदगी में यदि किसी से हो गई हों, यदि किसी व्यक्ति ने एकादशी व्रत करने का संकल्प ले लिया है, ऐसी घोर हत्याओं से भी उसके पाप की निवृत्ति हो जाती है। पूरा देश मुझे सुन पा रहा है और आप देवी देवताओं में आस्था रखते हैं तो बहुत कर हाथ जोड़ करके करबद्धता के साथ मैं कहना चाहूंगा, मैंने ये सब महिमा पढ़ी है इसलिए आपको निवेदन कर रहा हूं, आप एकादशी के बिना मत रहिए। 11 का जो व्रत है बहुत ज्यादा विशेष है, एक विशेष होता है एक बहुत विशेष होता है। एकादशी का जो व्रत है ये अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष है, आपसे हो सके तो इसको आप जरूर कीजिएगा। 11 व्रत, 10,000 हत्या भी जीवन में हो गई हो तो उसका भी प्रायश्चित हो जाता है। जिस तरह सूर्योदय होते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार से पक्षवर्धनी एकादशी का अनुष्ठान करने से तो संपूर्ण पाप जिंदगी भर के क्या 10 जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। एक जन्म की तो बात किया है, एक बात बड़ी और अद्भुत कही गई है। कहा है कि जिन लोगों ने 11 करके जागरण कर लिया है, आधी रात्रि तक जग लिया, मुझे कोई कथा सुनाने की जरूरत नहीं थी इस समय, मुझे तो रात्रि को कम से कम एकाध पहर आपको जगाना है। एकादशी को आधी रात्रि 12 बजे तक जागरण, जागने की महिमा है। हर एकादशी को आधी रात्रि तक मंत्र सुमिरन कीजिए, मंत्र जपिए, कीर्तन कीजिए, आधी रात्रि तक सोए नहीं, बिस्तर पर भी न पहुंचे। उस जागरण की महिमा कही गई है। महादेव भगवान शंकर बोले के श्रणु नारद वक्ष्यामि महात्म्यं जागरणस्य च या श्रुत्वा मुक्तम् आप्नोति महापापी न संशय। एकादशी की रात्रि को किसी ने जागरण कर लिया, भैया बांसुरी बजा दो, आधी रात्रि तक जागरण कर लिया तो महापापी, महापापी का भी उद्धार हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा, नारद जी कहते हैं पवित्र करने वाले भगवान विष्णु धन्य हैं। हे शिव जी, उनके महात्म्य का हमने वर्णन आपके श्री मुख से सुना है।